समान नागरिक संहिता को लेकर आज उत्तराखंड सुर्खियों में बना हुआ है। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि आजादी से पहले ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि यूसीसी के लागू होने से पहले ही राज्य में सियासत भी गर्माने लगी है। विपक्षी दल ने इसको लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारानी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इसे एक स्टंट बताया जा रहा है। करण महारानी कहा कि उत्तरकाशी के टनल हादसे भी इससे भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल हादसे में इतने बड़े हादसे की ओर बीजेपी के किसी भी कैबिनेट और प्रभारी मंत्रियों का ध्यान नहीं गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, उनको कुछ नहीं, उनको उनका एक सेट है, उनको माँ बाप को खुश करना कि साहब लो हमने ये कर दिया, तो आप बच्चों को जो है तुमसे पूछना जरूरी होगा। वो उनके दिमाग में बोर्ड के अलावा कुछ नहीं। आज देख लीजिए, उत्तरकाशी में इतनी बड़ी घटना घटी है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, इनका जो वहां का प्रभारी मंत्री वो भी नहीं गया। आज 5 दिन हो गए घटना को। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में 40 लोग मरने वाले हैं, उनकी बेचारों की हालत खराब है, मौत से जूझ रहे हैं, और इनकी सरकार प्रचार में। तो बीजेपी का ध्यान केवल केवल वोट और कहां से कैसे हम क्या करेंगे, कभी मजार, कभी मस्जिद, कभी समान नागरिक संहिता, कभी कुछ, कभी कुछ, और ये उसी का सब पार्ट है। माँ बाप को जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कुछ करने की कोशिश कर रही, तो ये निश्चित ही केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के काम।